सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम गूगल फोटोज को लेकर के बात करने वाले हैं। गूगल फोटो इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इसे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और आजकल जितने भी स्मार्टफोन है उन सब में आपको प्री इंस्टॉल्ड भी देखने को गूगल फोटोज मिल जाता है। इसका जो बेसिकली यूज है वो फोटोज और वीडियोज को अपलोड करने, उसका बैकअप बनाने में किया जाता है, जिसको आप इन फ्यूचर एक्सेस कर पाओगे। बट आज के दिन गूगल फोटोज का मिसयूज भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आपका डेटा लीक हो रहा हो, आपको पता भी ना हो, कोई और ही आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहा हो। सो गाइस, आज जो ये ब्रिज बना हुआ है, कोई और इंसान जिसके पास गूगल फोटोज है वो अपने मोबाइल में से आपके मोबाइल के गूगल फोटोज का जितना भी डेटा है उसको एक्सेस कर पा रहा हो। एक छोटी सी सेटिंग है जिसे चेंज करने के बाद कोई भी इंसान किसी के भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो आज हम उसी ब्रिज को फाइंड आउट करने वाले हैं, उसी का पता लगाने वाले हैं और उसे ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ताकि आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी बनी रहे और आपका डेटा कोई और एक्सेस ना कर पाए। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी पे होने वाली है। तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, पता करते हैं कि कौन हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है और उसे कैसे ब्रेक डाउन करना है कि वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए। आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, तो हमें डायरेक्टली गूगल फोटोज़ पे जाना है। गूगल फोटोज़ पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे बॉटम में शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। यहाँ आपको पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है और ये रही आपकी लिस्ट। ये मैंने खुद से क्रिएट की हुई है आपको समझाने के लिए। तो ऐसे ही आपको लिस्ट शो होगी, जिन जिन पर्सन्स के साथ आप शेयर कर रहे हो डेटा को वो सब यहाँ शो हो जाएगा। जैसे आप इनमें से कोई भी एक लिस्ट ओपन कर लीजिए। मैं सबसे पहले वाली ओपन करता हूँ, बी वाली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन्स होंगे वो सब जस्ट लाइक ये, सबसे पहले तो ये मैं खुद ही हूँ, ओनर हूँ, और सेकंड नंबर पे है जिसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आकर देखता हूँ तो नीरू बंसल आप देख रहे हो, मैंने मार्क कर दिया। तो इसके साथ मैं अपना ये जितना भी डेटा, जितने भी फोटोज है वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये मुझे ब्रिज मिल गया है, मैंने फाइंड आउट कर लिया है ये जो पर्सन है, ये जितना भी मेरा ये डेटा है गाइज, ये सब उसको शो हो रहा है और वो एक्सेस भी कर सकता है और इसे डाउनलोड भी कर सकता है। अब मुझे इस पर्सन को रिमूव करना है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो डेटा है वो इसके साथ शेयर हो रहा है, तो मुझे इसको रिमूव करना है, मुझे नहीं करना है इसके साथ शेयर, मुझे अपनी प्राइवेसी रखनी है। तो डायरेक्टली मैं इस पे क्लिक करूंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे रिमूव पर्सन और ब्लॉक समवन दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद मुझे एक पॉपअप आता है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर ओन, और फोटो एडिट बाय नीरू विल बी रिमूव, ये भी रिमूव। तो मेक प्राइवेट करते ही अब जितना भी ये डेटा है गाइज, यहाँ पे ये सिर्फ मेरे लिए ही शो होगा। अब ये प्रॉपर बस एक एल्बम, ये टोटली डिलीट हो चुकी है और वो जो डेटा है गाइज वो सारा डिलीट हो चुका है जिसके साथ भी मेरा शेयर होता है। ऐसे ही मैंने एक और लिस्ट तैयार की थी, ये वाली भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हो सकता है आपके दोस्त ने ऐसे ही एक एल्बम क्रिएट कर दी हो और उसने शेयरिंग पे डाल दिया और आपको पता भी ना हो। तो इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि प्रशांत बावलिया, इस पर्सन के साथ मैं अपना जो जितना भी ये डेटा है गाइज वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये डेटा हो सकता है आपके दोस्त ने आपका मोबाइल ले करके और इस तरह से शेयरिंग कर दी हो और आपको पता भी ना हो, और आपका जितना भी डेटा अपलोड होता है गाइज वो सारा डेटा यहाँ पे शेयर होता चला जाता है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं और इसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का एक और ऑप्शन है गाइज, यहाँ पे आप डायरेक्टली ऊपर जा करके थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिए और डायरेक्टली डिलीट एल्बम पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पूरी की पूरी एल्बम ही डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। आपका और उस पर्सन का जितना भी जो भी शेयर हो रहा था वो सब रिमूव हो जाएगा और आपकी फ़ोटो यूं क्यों रहेंगी गाइज आपके फ़ोटोज़ में। वहाँ सिर्फ शेयरिंग का ऑप्शन जो था ना वो रिमूव हुआ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका डेटा यूं का यूं गूगल फोटोज़ के अंदर एकदम सेफ है। बट जो शेयरिंग हो रही थी गाइज वो हमने रिमूव कर दिया है। गाइज अगर आपको जानना है कि आपके फोटोज या वीडियोज को कैसे शेयर किया जाता है किसी के भी साथ, कोई भी आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, कैसे उसे परमिशन दी जाती है, तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ले आऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।